चलिए देखिए, अब बारी है यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों का। लास्ट क्लास में हमने डिस्काउंट वाले क्वेश्चन देखे थे, आज बारी है फुल सेटलमेंट वाले क्वेश्चन देखने का। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फुल सेटलमेंट। अभी फुल सेटलमेंट क्या होता है उसके बारे में हम उसी समय बात करेंगे, फिलहाल तो जर्नल एंट्री करते हैं। क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, सबसे पहले आप जर्नल एंट्री का कॉलम बना लीजिए। बना लिए कॉलम आप लोगों ने, ठीक है। सीधा जर्नल एंट्री करनी है, भी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फलाना फलाना, जो भी नाम है, नाम हम तो दिया नहीं है, तो सीधा आप जर्नल एंट्री हेडिंग डाल देना, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, बाकी डैश डैश कर देना, ठीक है। अब सीधा बनाना चालू करते हैं। चलो बताओ, 1 अप्रैल डेट डालना अपना, डेट वाले कॉलम में। चलो डालिए 1 अप्रैल डेट, डालो डेट वाले कॉलम में, डेट वाले कॉलम में डेट डालो, 1 अप्रैल डाले। हाँ लिखो, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, बताइए क्या एंट्री बनेगा। लिखिए परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, कमॉन जल्दी लिखो, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 10,000 रुपए लिखेंगे आप लोग, ठीक है। 10,000 रुपए लिख लो, लिख लिए 10,000 ओके, 10,000 लिखे। नरेश लिखो, बींग परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम बाय क्रेडिट, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम बाय क्रेडिट, जल्दी से लिख लो, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम राम बाय क्रेडिट, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम बाय क्रेडिट। नरेशन आप लोग खुद लिख लिया करते हो ना, खुद ही लिख लोगे ना, अब नरेशन में नहीं बोलते, क्या बोलते हो, ठीक है। नरेशन आप लोग खुद लिखना, जगह छोड़ लेना, खुद लिख लिया करो, ठीक है। अगला देखो, फिर क्या लिखा, 2 अप्रैल, हेलो 2 अप्रैल बोलो क्या लिखा है, सेल्स ऑफ गुड्स टू भरत, बोलो लिखो, भरत से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 20,000 रुपये लिख दो, भरत से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 भरत से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 भरत से अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000 हो गया, ठीक है। बढ़ जाए आगे, नरेशन क्या लिखोगे, बींग सेल्स ऑफ गुड्स टू भरत बाय क्रेडिट, कुछ नहीं बोला तो उधार मानेंगे, चल जाएगा। क्या नाम बताया था ना तुम लोगों को, जब एक्सप्लेन नहीं करेगा तो क्या मानना, उधार नहीं मानना बोला था, ठीक है। लिख लिए कि नहीं लिख लिए, चलिए नेक्स्ट एंट्री बोलो क्या लिखा है। यार अपन टाइम पास नहीं कर रहे हैं, एक बार एंट्री पर रिवाइज कर लेते, खट से भी तुम लोग एंट्री बोलना, तुम लोग खुद लिखना, मैं क्या बोलना, सिंपल एंट्री तो है। चलो बोलो, परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश फ्रॉम राम क्या एंट्री बनेगा, परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश फ्रॉम राम बाय कैश, उधार मतलब नगद खरीद रहे हो, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट डाल देना 5,000 फिर नेक्स्ट देखो फिर क्या लिखा है, 4 अप्रैल सेल्स ऑफ गुड्स टू भरत बाय कैश, इसका मतलब क्या है, नगद माल बेचे, बोलो क्या एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम 20,000 बोलो अगेन, परचेस अकाउंट डेबिट टू राम से अकाउंट, माल आ रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स टू भरत उधार है, ठीक है, कैश पेड टू राम, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, अमाउंट डाल देना, कैश रिसीव फ्रॉम भारत, भारत कैश अकाउंट डेबिट टू भारत से अकाउंट, पता है, गुड्स रिटर्न टू राम, राम को हम रिटर्न कर रहे हैं गुड्स, राम से अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट होगा, राम से अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, क्योंकि माल जा रहा है रिटर्न के रूप में, गुड्स रिटर्न फ्रॉम भारत, अब क्या हो रहा, माल आ रहा है, हाँ बोलो बोलो, सेल्स माल आ रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भारत से अकाउंट, समझ में आ गया, ओके बस यहाँ तक एंट्री करिए आप लोग, अच्छा यहाँ तक हो गया ना, अभी जहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा ना इसको छोड़ देना आप लोग, फिलहाल यहाँ तक की एंट्री बनाओ, 10 अप्रैल तक की एंट्री बनाओ, जल्दी से यहाँ तक की एंट्री समझ में आई ना, 10 अप्रैल तक की एंट्री बनाओ। तो देखिए आप लोगों ने यहाँ तक एंट्री कर लिया सब ने अपने कॉपी में, तो 10 अप्रैल तक की एंट्री हो गई, लास्ट एंट्री आपने क्या किया, भरत से अकाउंट कर लिया, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भरत, नरेशन वगैरह लिख लिए, चलिए वेरी गुड। अब बारी आती है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए कैश पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 9,500। देखो इससे पहले भी कैश पेड किए थे पर राम को, इससे पहले क्या लिखा था, कैश पेड टू राम, बट यहाँ कहीं फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा था क्या, फुल सेटलमेंट मतलब होता है पूर्ण हिसाब में क्या किए, चुकता किए, पूर्ण हिसाब मतलब फुल सेटलमेंट मतलब अब दोबारा आप पैसे की बात नहीं करोगे, मतलब पैसा वैसा दिए उसके बाद ही मामला क्या हो गया, रफा दफा हो गया, उसके बाद अभी कोई पैसा नहीं देंगे, मतलब कोई फ्यूचर में हिसाब किताब नहीं रहेगा, उसको बोलते फुल सेटलमेंट। तो जब भी बेटा आपको कभी भी, जैसे इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैश पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट, जब भी क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट दे तो समझ जाना यहाँ पे डिस्काउंट आएगा, क्या आएगा, डिस्काउंट, लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट तो दिया नहीं है,
तो इसके लिए आपको पुराना हिसाब किताब देखना पड़ेगा। यानी जब भी फुल सेटलमेंट लिखा रहा है, समझ जाना कि यहाँ पे डिस्काउंट वाली बात आएगी और पुराना हिसाब किताब क्या करना पड़ेगा अपन लोगों को देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप पुराना हिसाब किताब देखोगे, कैसे देखोगे, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, देखो राम से पुराना हिसाब किताब देखोगे। तो चलो राम से ट्रांजेक्शन विथ राम लिखना, ट्रांजेक्शन हेडिंग लिख लेना, ट्रांजेक्शंस विथ राम। तो विथ राम, राम के साथ क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए थे उसका पूरा लिस्ट बनाइए, ठीक है। बताओ राम से पहला ट्रांजेक्शन कब हुआ था, 1 अप्रैल को। राम से आपने क्रेडिट परचेस किया था, कितने रुपए का क्रेडिट परचेस किया था, देखिए कितने का, 10,000 का। यानी 10,000 रुपए का क्रेडिट परचेस किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि राम को आपको पे करना है कितना रुपया, 10,000। उधार खरीदो कह रहे आपको राम को पे करना है 10,000 रुपए। फिर देखो राम से अगला ट्रांजेक्शन कब हुआ था, क्या लिखा है, परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश फ्रॉम राम। राम से आपने नगद माल खरीदा, तो जब भी नगद माल खरीदोगे तो वहां पर फिर राम से कोई लेना देना ही नहीं है, नगद माल खरीदे ना, तो नगद माल खरीदे, यहाँ माल आया और कैश गया, क्या राम से कोई इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं, तो फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो कैश ट्रांजेक्शन से कोई मतलब नहीं, कैश ट्रांजेक्शन तो उसको आप इग्नोर करोगे, क्या करोगे, इग्नोर करोगे। सेल्स ऑफ गुड्स टू भारत, तो करिए। फिर अगला देखो, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, फिर से राम से उधार माल खरीदे, देखो फिर से आपने कौन से तारीख को खरीदा, 5 अप्रैल को फिर से आपने राम से माल खरीदा, क्रेडिट परचेस किया, फिर से आपने कितने का परचेस किया, 20,000 का। तो बताइए इसका हिसाब बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा। अब हमको कितना देना उसको, 30,000 हमको रिफंड करना उसको, आया बात समझ में कि नहीं आया, रिटर्न करना है कितना, 30,000 रिटर्न करना है, आगे देखें मतलब पेमेंट करना है। अगला देखो फिर राम से हिसाब किताब कब का है, 7 अप्रैल को, कैश पेड टू राम 16,000। अभी राम को आप 16,000 कैश पेड कर रहे हो, इससे हिसाब बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो माइनस करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी तारीख की बात है, ये 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को आपने क्या किया, राम को कैश पेड किया, क्या किया, कैश पेड। तो कैश पेड किया 16,000 कैश पेड किया, तो ये माइनस के फॉर्म में, माइनस जब भी हमने अमाउंट को ब्रैकेट में लिखना है मतलब हम लोग माइनस के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो 30 में से 16,000 आपने पे कर दिया, बोलो बचा कितना, 14,000 बचा, कितना बचा, यानी राम को हमको 14 पे करना है और, समझ गए। फिर देखो अगला ट्रांजेक्शन कब हुआ राम से, गुड्स रिटर्न टू राम 9 अप्रैल को, गुड्स रिटर्न टू राम। राम को अगर माल आप रिटर्न करोगे तो हिसाब बढ़ेगा घटेगा, घटेगा। तो क्या करेंगे, कौन सी तारीख को हुआ, 8 अप्रैल, नहीं 9 अप्रैल, कब हुआ ये सब कहानी, 9 अप्रैल को। तो 9 अप्रैल को लिखना रिटर्न गुड्स, क्या लिखोगे, रिटर्न गुड्स, कितने रुपए का रिटर्न किए गुड्स, 4,000 का रिटर्न कर दिए, घटा दो इसको भी, कितना हुआ, 10,000। अगर बेचोगे, खरीदोगे तो हिसाब बढ़ेगा और वापस करोगे तो हिसाब घट जाएगा। तो अब उसका हिसाब अपने को पे कितना करना है, तो इस प्रकार से राम से लेन देन होते होते अभी हमको पे कितना करना है, राम को 10,000 पे करना है। लेकिन फुल से अब आखिरी हिसाब कब हो रहा है, देखो 11 अप्रैल को राम को कितना पे कर रहे हैं, 9,500 देना 10 था, लेकिन आप पे कितना कर रहे हो 11 तारीख को, कैश पेड कर रहे हो, अभी किसमें, फुल सेटलमेंट में कैश पेड कर रहे हो, किसमें, फुल सेटलमेंट में आप लोग पे कर रहे हो कैश, कितना, 9,500। मतलब बोले भाई 9,500 रख, अब तू 10,000 का नाम मत लेना। कितने का डिफरेंस आया, 500 का डिफरेंस आया, क्या कहलाएगा ये, डिस्काउंट कहलाएगा। नहीं आया समझ में, आया अच्छे समझ में, तो डिस्काउंट। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी समझना, अभी आप सुनो, कैश आप पेड कर रहे हो राम को, तो नॉर्मल एंट्री बोलो, क्या एंट्री बनेगा, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश, यही ना करोगे, परंतु यहाँ फुल सेटलमेंट है, फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की भी एंट्री होगी, तो क्या एंट्री बनेगा, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश अगर क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, तो टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है ना, तो क्या एंट्री बनेगा, राम से अकाउंट डेबिट, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश अगर क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट रिसीव भी क्या होगा, क्रेडिट ही होगा, ठीक है। तो बताओ कैश कितना जा रहा है, 9,500 जा रहा है कैश, डिस्काउंट कितना, 500, दोनों को जोड़कर कितना, राम से हिसाब किताब 10,000। नरेशन क्या लिखोगे, कैश पेड टू फ्राम इन फुल, बींग कैश पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हीज अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया, उसके अकाउंट के फुल सेटलमेंट में हमने क्या कर दिया, पे ऑफ कर दिया। नहीं आया समझ में, चलो एंट्री लिखो, कम ऑन अपने ट्रांजेक्शन में एंट्री लिखो, आगे का एंट्री लिखो, राम से अकाउंट डेबिट, जल्दी लिखो एंट्री, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। समझ गया या तुम लोगों को अच्छे से, राम से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कोई परेशानी है तो बोले, कोई परेशानी नहीं है,
यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? चलिए आगे बढ़िए इसके बाद। चलो सेम ऐसे ही किसका बात करेंगे? भरत का। तो देखो भरत की बात करते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन विथ भरत नंबर एक, नंबर दो। अब ट्रांजेक्शन विथ क्या लेंगे? भरत। ट्रांजेक्शन विथ भरत, तो भरत साहब से क्या ट्रांजेक्शन है? देखो फटाफट करें, भरत साहब से क्या ट्रांजेक्शन था? भरत का भी आ रहा ना फुल सेटलमेंट, तो भरत से पुराना हिसाब किताब देखोगे, ठीक है। सेम वही चीज़ है, तो भरत से पुराना हिसाब किताब देखो। सबसे पहले भरत को आपने 2 अप्रैल को क्या किया था? उधार माल बेचा था। तो बोलो भरत को कितने का माल बेचा था? 20,000 का। कितना वसूलना है? 20,000 आपको वसूलना है उससे, समझ गए? 20,000 वसूलना आपको कितना है? 20,000 वसूलना है। फिर देखो अगला लेन देन कब हुआ? 4 अप्रैल को नगद माल बेचे, तो नगद माल बेचे उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर देखो 6 अप्रैल को 30,000 का माल बेचे, 6 अप्रैल को क्या किए? 30,000 का माल बेचे, क्रेडिट सेल्स किए। कितने रुपए का? 30,000 का। यानी कि भरत से कुल मिला कितना वसूलना है अभी? 50,000 वसूलना। कॉमन सेंस की बात है, पढ़ाई जैसा कुछ नहीं है, ठीक है, हो गया। फिर देखो भरत से हिसाब किताब देखो, चेक करो। 8 अप्रैल को क्या हो रहा है? 8 अप्रैल को कैश रिसीव्ड कर रहे, कैश क्या कर रहे? तो रिसीव करोगे हिसाब बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। कितना रिसीव किए? 25,000। अब कितना वसूल करना है? 25,000 वसूल करना है। फिर देखो अगला क्या हुआ? गुड्स रिटर्न टू भरत, 10 अप्रैल को रिटर्न कर रहे हो भरत को गुड्स, तो गुड्स रिटर्न करोगे तो हिसाब बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। कितने रुपए से? 6,000 से घटा दो, कितना आया? 19,000। अब उसमें क्या हो रहा है अपन? फिर हो गया खत्म। लास्ट आया 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को देखो क्या हो रहा है? कैश रिसीव फ्रॉम भरत इन फुल सेटलमेंट 18,000। वसूल कितना करना था? आप कैश रिसीव कर रहे हो फुल सेटलमेंट में, फाइनली कैश रिसीव कर रहे हो फुल सेटलमेंट में, कितना फुल सेटलमेंट में रिसीव कर रहे हो? 18,000। वसूल कितना करना था? डिफरेंस कितने का आया? 1,000। जहाँ फुल सेटलमेंट दे समझ जाओ पूरा हिसाब किताब क्लियर है। वसूलना था 19,000 बट वसूल रहे हो 18, क्या हो रहा है? 1,000 डिस्काउंट है कि नहीं? अब इस बार फिर पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। क्या एंट्री बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट। अगर कैश डेबिट हुआ तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भरत से अकाउंट, नहीं समझे? ठीक है, क्या एंट्री बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भरत से अकाउंट। क्या लिखेंगे? टू भरत से अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट कितना बोलो? 19,000। हाँ 18,000 कैश आ रहा है। 18, समझो ना, पहले लिखना बंद करो, फिर बाद में पूछोगे सर नहीं समझ आया। कैश आ कितना रहा है? 18। डिस्काउंट कितना? 1,000। दोनों को जोड़कर कितना? 19,000। नहीं आया समझ में? ऐसे बनाना है, समझ आ गया? अब बन जाएगा नरेशन वगैरह, लिख लो कि वर्किंग नोट को नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नोट करिए। चलिए देखिए, अब आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, समझिए क्या लिखा है। देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। अभी कॉलम वॉलम छोड़ो, पहले नॉर्मल इधर ध्यान दो सब। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, तो एक्स लिमिटेड की बुक में करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम साहिल ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, रिटर्न गुड्स टू साहिल लिस्ट प्राइस 1,000 और कैश पेड टू साहिल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 8,000। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अब इसको अपन लोग को बनाना है, तो बनाना चालू करें। ये वाला जगह मैं वर्किंग नोट के लिए छोड़ लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, टेबल वेबल आप लोग जानते हो, बिना टेबल की एंट्री कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। तो लिखूंगा पहला डेट क्या है? 1 अप्रैल। क्या लिखा देखो 1 अप्रैल में? परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम साहिल ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 विथ 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रांजेक्शन उधार है, देख के पता चल रहा है। आप माल खरीद रहे हो साहिल से, कितने रुपए का? 10,000 के लिस्ट प्राइस का 10% ट्रेड डिस्काउंट। पहले ही बताया जा चुका है, लिस्ट प्राइस लिखा है मतलब फेक प्राइस है, डिस्काउंट बोला है मतलब ट्रेड डिस्काउंट बोला है मतलब फेक डिस्काउंट है, तो एक्चुअल प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। फिलहाल इसकी एंट्री बोलिए क्या होगा। हाँ, नॉर्मल एंट्री बनेगा परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू साहिल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू साहिल्स अकाउंट लिखेंगे ना, परचेस अकाउंट डेबिट टू साहिल्स अकाउंट। आया बात समझ में? अब सवाल उठता है सर अमाउंट क्या डालेंगे, लिस्ट प्राइस तो नहीं डाल सकते, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन डेट डाल देना 1 अप्रैल। लिस्ट प्राइस कितने का था देखो? 10,000 का था, उसमें से कितना घटाओगे? ट्रेड डिस्काउंट घटाओगे 10%, कितना आएगा? कितना आया? 9,000। यही तुम्हारा माल का क्या है? एक्चुअल प्राइस है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो तो बेटा कितना लिखोगे? 9,000 और 9,000। नरेशन लिख सकते हैं बिंग क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, पर क्रेडिट परचेस, बिंग क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स विथ 10%
ट्रेड डिस्काउंट, ये आप नरेशन लिख सकते हैं। क्लियर है आप सभी को? कोई दिक्कत? अब कहता है रिटर्न गुड्स टू साहिल लिस्ट प्राइस 1000। 1000 का माल लिस्ट प्राइस का माल आपने रिटर्न किया, क्या एंट्री बनेगा? माल रिटर्न कर रहे हो, कैसा रिटर्न है? परचेस रिटर्न है, क्या एंट्री बनेगा? हाँ, 5 अप्रैल डालोगे साहिल से अकाउंट डेबिट, माल जा रहा है ना साहिल से अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, माल जा रहा है ना परचेस रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना डालोगे ये बता दो। हाँ जी, कितना? गलत जवाब भैया, लिस्ट प्राइस देखा जा रहा है ना, जब खरीदे थे तो क्या लिस्ट प्राइस में खरीदे थे? तो वापस जब डिस्काउंट काट के खरीदे थे ना, तो जब वापस भी करोगे तो क्या करोगे? डिस्काउंट काट के ना करोगे, तो आप बोलोगे सर डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है, है ना सर, कहाँ है? 10% ऊपर है, समझ में आया? तो 10%, तो क्या करोगे यहाँ पे? 5 अप्रैल वाला लिखोगे लिस्ट प्राइस, कितना था लिस्ट प्राइस? 1000 था, 1000 में डिस्काउंट घटा लेना ट्रेड डिस्काउंट, कितना? 10%, कितना आएगा 1000? कितना लिखोगे? 900। तो अमाउंट फिल करोगे 900 और 900। नहीं आया समझ में? नरेशन लिख सकते हो बीइंग रिटर्न, हाँ रिटर्न गुड्स टू साहिल, साहिल को आपने माल क्या कर दिया? वापिस कर दिया। क्लियर 900? नहीं समझे? ठीक है, अब बात आती है कैश पेड टू साहिल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 8000। जैसी फुल सेटलमेंट बोला, पुराना हिसाब किताब देखोगे तो पुराना हिसाब किताब था भैया, देखो 9000 का माल खरीदे थे, यहीं देख लो 9000 का माल खरीदे थे, मतलब उसको चुकाना कितना था 9000, उसमें से 900 का माल तो वापस हो गया, अब कितना चुकाना है? 8100, लेकिन चुका कितना रहे हो? 8000, कितने का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है, क्या होगा? डिस्काउंट खाते में चला जाएगा, है ना, पेड कर रहे हो ना, क्या एंट्री बनेगा बोलो? साहिल से अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी हाँ टू कैश अकाउंट, हाँ टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, नहीं आया समझ में? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट लिखेंगे आप सभी, है ना। कैश कितना जा रहा है? 8000, डिस्काउंट कितना? 100, दोनों को जोड़कर कितना? 8100। नहीं समझ आया? पुराना हिसाब किताब क्लियर करोगे, नहीं समझे? समझ गया पक्का? नरेशन लिख लेना बीइंग सेम वही कैश पेड टू साहिल, कैश पेड टू साहिल, साहिल इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, ऑफ हिज अकाउंट। नहीं आया समझ में? इजी है, हार्ड है? पक्का? पक्का कि नहीं? चलो ठीक है, नोट करो। अच्छा सुनो ना, ये चीज़ अगर मान लो सेल्स में होता तो भी बना लेते, माल बेचना है, रिटर्न करना है और हिसाब किताब क्लियर करना है, रिसीव में कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू साहिल से अकाउंट, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब ऐसा तो नहीं कि परचेस का बताया तो सेल्स का भी सर आप बताओ, पूरी तरीके से लूटोगे? पूरी तरीके से तो नहीं लूटोगे ना? चलो ठीक है, नोट करो। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया? सेम यही केस किसके साथ भी हो सकता है? सेल्स के साथ भी हो सकता है, ठीक है। या कई बार क्या बोलता है यहाँ पर ना, फुल सेटलमेंट में क्या लिख देगा पता है? कैश पेड टू साहिल इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट अकाउंट आफ्टर चार्जिंग, चार्जिंग ऐसा लिख देगा, चार्जिंग 5% डिस्काउंट, सीधा डिस्काउंट बोल देगा 5%। तो कैसे करोगे? अब डिस्काउंट बोल दिया तब कैसे करोगे? पुराना हिसाब किताब देखोगे, जैसे पुराना हिसाब किताब क्या था, पहले उसको माल बेचा तुम लोगों ने, खरीदा 9000 का, उसमें से रिटर्न कर दिया 900 का, तो उसको पेमेंट कितना करना है? लेकिन फुल सेटलमेंट पेमेंट तो कर रहे हो बट अमाउंट नहीं दिया है, परसेंट दे दिया 5% डिस्काउंट काट के, तो डिस्काउंट काट दो, कोई दिक्कत नहीं, 5% क्या काट देना? डिस्काउंट काट दो, तो 8100 का 5% निकाल लोगे, 405 आ जाएगा, डिस्काउंट आया 405, तो 405 घटा देना 5 9, और इधर कितना आ जाएगा? 5 9 7695, इतना पेड कर दिए, तो अमाउंट जब फिल करोगे तो क्या होगा? देखो पैसा जा कितना रहा है, कैश पेड कितना कर रहे हो? 7695, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करोगे 7695 से, डिस्काउंट कितना? 5405, दोनों को ऐड करके कितना? 8100। ऐसा भी कर सकते हैं, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, 5% के डिस्काउंट में भी आ सकता है, बन जाएगा। तो आज हमारा डिस्काउंट वाला जो टॉपिक था, एपिसोड था, वो क्या हुआ? ख़त्म। अगली मुलाकात नए एपिसोड के साथ होगी, ओके।